जीकेएम एजीसी 9.1 वर्जन 10.0 का जो लेटेस्ट अपडेट है अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन एक्सिनोस मीडियाटेक प्लस टेंसर चिपसेट के साथ ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। 200 से भी ज्यादा डिवाइस के ऊपर इस जीकेएम का जो है सपोर्ट यहाँ पर ऐड किया गया है। ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के साथ ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। इस वीडियो के दौरान जो है फोटो सैंपल को भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, प्लस नया फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जीकेएम एजीसी 9.1 के साथ ऐड किया गया है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमने पोको F5 डिवाइस के ऊपर जीकेएम एजीसी 9.2 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टॉल किया है, एंड जीकेएम 9.1 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स अवेलेबल है एंड कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो है अल्ट्रा वाइड लेंस में स्विच कर सकते हो, मेन लेंस में स्विच कर सकते हो। यहाँ पर जो है HDR नेट का ऑप्शन, आप इंस्टेंट HDR नेट के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। लाइका मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, प्लस कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में टैप करके जो है पर सेटिंग्स मेनू ओपन हो जाएगा, क्विक सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर स्वाइप अप करके भी आप जो है क्विक सेटिंग्स को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जो है नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, HDR मोड का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, टाइमर का ऑप्शन है, प्रो मोड के साथ जो लेंस सिलेक्शन का ऑप्शन है, एंड प्रो मोड को भी ऐड किया गया है। यह सब जो है एक्सप्लोर को एडजस्ट कर सकते हो, प्लस जो वाइड बैलेंस है उसे भी एडजस्ट करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इवन जो मैनुअल फोकस इसे भी एडजस्ट कर सकते हो, शटर स्पीड ISO इसे भी को आप जो है मैनुअली कंट्रोल कर पाओगे। ये जो फीचर से यहाँ पर काम कर जाएगा। पोर्ट्रेट मोड के साथ भी HDR मोड काम करता है। पोर्ट्रेट मोड के साथ ऑटो वाइड बैलेंस, लाइका मोड एंड वाटरमार्क का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इवन नाइट साइड मोड के ऊपर भी जो है यहाँ पर ऑफ एंड एस्ट्रो मोड के साथ ऑलवेज ऑन का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, नियर फार इन्फिनिटी का ऑप्शन है, प्लस एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है। इवन पोर्ट्रेट मोड, नाइट साइड मोड के ऊपर जो आप मल्टीपल लेंस भी यूज कर सकते हो। पैनोरामा का ऑप्शन है, फोटो एस्पर मोड को ऐड किया गया है। 360 फोटो क्लिक कर सकते हो, प्लस हॉरिजॉन्टल, वाइड एंगल, वर्टिकल फोटो क्लिक करने का ऑप्शन है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर लाइका मोड के साथ भी वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर फुल HD 4K 8K के साथ भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर 8K 60fps का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर स्लो मोशन टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, ऑटो 5x 10x 30x 120x का ऑप्शन है, एंड वाइड बैलेंस को भी एडजस्ट कर सकते हो। बाय द वे, इस जीकेएम के साथ आप जो है पिक्सल 8 प्रो का जो यूजर इंटरफेस है उसे भी एनेबल करने का ऑप्शन है। उसे एनेबल करने के लिए आपको स्वाइप अप करके जो मोर सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उसमें जाना होगा। उसके बाद डिवाइस इंटरफेस में जाके पिक्सल 8 प्रो सिलेक्ट करना होगा। पिक्सल 8 प्रो सिलेक्ट करने के बाद जीकेएम को जो है यहाँ पर रीस्टार्ट करना होगा। गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद पिक्सल 8 प्रो का जो UI है एनेबल हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 12 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन है। यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है एनेबल हो गया है, प्लस यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी यहाँ पर 10-bit HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर इस तरह से जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एनीवे, अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पर जो फोटो सैंपल के बारे में। जीकेएम एजीसी 9.1 के साथ हमने कुछ फोटोज को भी क्लिक किया है, तो यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो काफी बढ़िया जो है पर वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है, इम्प्रूव डायनेमिक रेंज देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली जो इस जीकेएम के साथ जो है काफी बढ़िया वाइब्रेंट कलर देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया रेडी फोटोज को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाइका सिनेमैटिक इफेक्ट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। फोटो में जूम करने के बाद भी जो डिटेल्स है काफी बढ़िया है, यहाँ पर काफी हद तक जो नेचुरल ब्लर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फोकस के रिलेटेड कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कलर, शेडो, हाईलाइट के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, प्लस फोटो के ऊपर डिटेल्स भी काफी बढ़िया है। यहाँ पर HDR मोड, HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा, एंड
यहाँ पर जो है काफी हद तक फोटो के साथ जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है। मेन कैमरा हो जाए, अल्ट्रावाइड लेंस हो जाए, फ्रंट कैमरा हो जाए, फोटो के ऊपर नॉइस को रिड्यूस करने का ऑप्शन है। यहाँ पर नॉइस मॉडल ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है। प्लस ये जो जीकैम का जो बिल्ड है स्टेबल बिल्ड है, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस ऑप्टिमाइज बिल्ड है, बहुत ही फास्ट आप जो है एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के ऊपर स्विच कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज इस जीकैम के साथ वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस के साथ भी आप जो है एचडीआर मोड यूज़ कर सकते हो। प्लस इस जीकैम के साथ ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शंस यहाँ पर काम कर जाएगा, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा। परफेक्ट गूगल कैमरा का बिल्ड है। इस जीकैम को आप डेफिनेटली एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लाइट बैलेंस काफ़ी बढ़िया है, लाइट कंट्रोल काफ़ी बढ़िया है। एंड मैक्रो लेंस के साथ भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बेटर कलर विद बेटर डिटेल्स देखने को मिलते हैं कम नॉइस के साथ। प्लस सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट के साथ भी काफ़ी बढ़िया बैलेंस देखने को मिल जाएगा। एंड जो परफॉर्मेंस है इस जीकैम के साथ वो भी काफ़ी फास्ट है, बहुत ही फास्ट यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हो। पर शटर स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है। प्लस यहाँ पर जो ग्रीन टिंट का जो प्रॉब्लम है उसे भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। हमने यहाँ पर कोई भी ग्रीन टिंट का जो प्रॉब्लम है फेस नहीं किया है। प्लस एस्ट्रो मोड काम कर जाएगा, नाइट साइड मोड काम कर जाएगा, लो लाइट फोटोग्राफी भी कर पाओगे। मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एक्सलेंट फॉल्ट यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड एंड सेल्फी के साथ भी बढ़िया डिटेल्स देखने को मिलता है, नेचुरल कलर के साथ भी फोटो क्लिक कर सकते हो। प्लस यहाँ पर EIS एंड OIS का जो ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर काफ़ी हद तक जो आप कॉन्ट्रास्टी फोटो को भी क्लिक कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसे लगे आप जरूर से कॉमेंट करके बताना, एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। बाय द वे रिसेंटली हमने जीकैम 9.2 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं जीकैम एजीसी 9.1 के साथ क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पर मैनुअल ऑटो वाइड बैलेंस स्लाइडर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर देख सकते हो फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर जो ऑटो राइट साइड मोड का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा था उसे फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर पोको F5 डिवाइस के साथ भी सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा। HDR का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पोर्ट्रेट HDR का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। थीम का ऑप्शन है, डार्क मोड लाइट थीम का ऑप्शन है। यहाँ पर इस गूगल कैमरे के साथ जो है पर बैटरी ड्रेन का जो प्रॉब्लम है उसे भी फिक्स किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस सैमसंग डिवाइस के साथ जो है टैप टू फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर पोको F1 हो जाए, शाओमी 8, सैमसंग गैलेक्सी S10, सैमसंग नोट 10 के साथ जो ब्लैक स्क्रीन का जो इशू था उसे भी फिक्स किया गया है। बाय द वे यहाँ पर देख सकते हो जो UI है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी बढ़िया यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। एंड सेटिंग्स में उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है सेटिंग्स में के साथ। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है अलग अलग पिक्सल डिवाइस को जो यूजर इंटरफेस है सिलेक्ट कर सकते हो। पिक्सल 8 प्रो का जो UI हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस ऑप्शन के साथ जो फोटो के ऊपर जो क्वालिटी उसे इम्प्रूव कर सकते हो। एंड लेंस सेटिंग्स की अगर बात करें, यहाँ पर लेंस सेटिंग्स के साथ आप जो हर एक कैमरा लेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। मेन कैमरा के लिए डिफरेंट सेटिंग्स, अल्ट्रावाइड लेंस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स, फ्रंट कैमरा के लिए डिफरेंट सेटिंग्स को अप्लाई कर पाओगे लेंस सेटिंग्स के साथ। यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है, अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो इंटरफेस है सिलेक्ट कर पाओगे, इवन अलग अलग जो है HDR मॉडल को भी सिलेक्ट कर पाओगे। एंड HDR मोड के ऊपर जो है ZSL फ्रेम को इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन है। HDR का जो फ्रेम है उसे भी इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन है। नाइट साइड मोड इवन एस्ट्रो मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अगर फ्रेम को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे फोटो क्लिक होने में टाइम लगेगा, फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्सपोजर के साथ जो है पोर्ट्रेट मोड, नॉर्मल मोड, नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, कलर सेटिंग्स, ऑटो वाइड बैलेंस, नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, रेजोल्यूशन फिक्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, अपस्केलिंग इमेज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर जो है डेवलपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप नए नया फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। ऑडियो जूम का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान बैकग्राउंड में जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, EIS OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सेफ सेल्फी सेस प्रीव्यू का ऑप्शन है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर कलर मिक्स UI को ऐड किया गया है, व्यू फाइंडर के साथ जो है कलर को एडजस्ट कर सकते हो।
एक्सपोजर के साथ जो ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, या पर कलर टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए वाइट वैलेंस का ऑप्शन है, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, डिवाइस स्टोरेज बटन शॉर्टकट, सोशल शेयर, गोल्डन सजेशन, सेव लोकेशन का ऑप्शन है, प्लस HDR कंट्रोल, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी, टाइमर लाइट, रिच कलर इन फोटोज का ऑप्शन है, या पर फोकस ट्रैकिंग, डिले आफ्टर फोकस एंड टॉप शॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली GCam HEC 9.1 का जो बिल्ट है ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर।